जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्ग मालिकां डमड्ड मड्ड मड्ड मड्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवं शिव शिवं शिवम्। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने हम मनुष्यों को क्या क्या वचन दिए हैं। तो उन्होंने भक्त को आश्वस्त किया है, उन्होंने क्या क्या है कि शुभ कर्म करने वाले की कभी भी अधोगति नहीं होती, शुभ कर्म करने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती। उन्होंने श्रीमद भगवद गीता में कहा है, नहीं कल्याण कृतक अशी चतुगति तात गच्छति। उन्होंने कहा है, योग क्षेमम वहां म्यहम, मेरे निष्काम भक्त का योग क्षेम मैं चलाता हूं। मतलब जो अनन्य भाव से मेरी निरंतर निष्काम उपासना करते हैं उनकी योग क्षेम मैं चलाता हूं। उन्होंने हमें वचन दिया है कि शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। फिर वो कहते हैं, हर काम का फल मिलता है, इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना ही व्यर्थ होता है। ये उनके वचन है, एक तरह से उन्हें प्रॉमिस किया हुआ है, जो कहा है वो पूरा होगा। उन्होंने कहा है, नवी भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। मतलब अति दुराचारी भी अनंत भाव से मेरी भक्ति करेगा तो उसे साधु मानना योग्य होगा, क्योंकि उसने उचित निश्चय किया है और शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को दिया वचन जो है हमेशा निभाया है। महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म ने श्री कृष्ण से निवेदन किया था कि जिस दिन मृत्यु हो आप अवश्य उपस्थित रहना, और श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया था। जब महात्मा भीष्म ने प्राणों का उत्सर्ग किया तो भगवान श्री कृष्ण भी भावुक होते उठे। तो भगवान अपने प्रॉमिसेस को निभाते हैं। अब सुनिए आगे की बात, विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रिया बलपूर्वक हर लेती है, जिसकी इंद्रिया वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप में संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेसामहं समुद्रतां मृत्यु संसार सागरात। मतलब भक्त का मृत्यु समय संसार से मैं उद्धार करता हूं, जो सभी कर्म मुझे अर्पित कर मत परायण होकर मुझ में अनन्यता से चित लगाते हैं उनको मैं मृत्यु में संसार से उद्धार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया,
जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया है वो इसी को दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मुच्छस्मि मा शुचः, मतलब मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, सभी धर्मों का त्याग कर, मतलब धर्मों में बताए गए सभी कर्मों का, सभी धर्मों का त्याग कर एक मेरी ही शरण में आओ, शोक मत करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले, जो आज तुम्हारा है कल और किसी का है, परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, ये तुम्हारा तो है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए, ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता नहीं करो, वर्तमान तो चल ही रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधना पथ पर चलने वाले के लिए मोक्ष का मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाम लेते ही मन आदर से तथा आनंद से भर जाता है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मन में अत्यधिक आदर क्यों होता है, कभी सोचा आपने? उन्हीं सब बातों से जो कहकर गए हैं, जो वचन कहकर गए हैं, आप क्या सोचते हो कि उनके अप्रतिम सौंदर्य के कारण, रासलीला के कारण, बचपन से किए उनके चमत्कारों के कारण या सर्वज्ञता के कारण? भगवान विष्णु का 16 कलाओं का पूर्णोतार होने के कारण आप क्यों उनके फैन हो, क्यों उनकी पूजा करते हो? कुछ भी नहीं, भगवद गीता के द्वारा उन्होंने दिए दिव्य ज्ञान के कारण। वस्तुतः इस ज्ञान के लिए दिव्य अप्रतिम अलौकिक अद्भुत अद्भुत हमारे शब्द भी पूरे नहीं पड़ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें सोचने की क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन तो संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को उतार कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर का त्याग करने से ही दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। आत्मा तो न कभी जन्म लेती और न मरती है, शरीर का नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता है, आत्मा तो अमर है। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी बात कहते हैं कि न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो, यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से मिलकर बनाया है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते, एक ही बात है और वो है कर्म, कर्म ही पूजा है। भगवद गीता में आपको अर्थात जीवन दर्शन और मोक्ष दर्शन है। श्रीमद् भगवद गीता से ज्ञान मिलता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए और कैसे नहीं,
वो मार्ग से भटके के लोगों का मार्गदर्शन करती है और दुखी पीड़ित लोगों को आश्वस्त करती है। गीता में माँ की ममता है, इसलिए गीता माँ है। गीता के प्रत्येक शब्द में चैतन्य समाया हुआ है। गीता संन्यास, ज्ञान, कर्म, ध्यान, भक्ति, इन सब योग मार्गों का मार्गदर्शन करने वाला धर्म ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं तो काल हूं, सबका नाशक हूं, मैं आया हूं दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। कौन सा काम? कर्म वाला काम नहीं, काम, सेक्स। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता है। फिर कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। और प्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिया से बेहतर है। भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षिपण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति, जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, उनकी बुद्धि माया ने हर ली है। वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं, मैं वर्षा रोकता हूं, मैं अमृत भी हूं और मृत्यु भी मैं ही हूं। जिस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने कर्म पर मन लगाएं, ना कि उसके फल पर। फल की अभिलाषा छोड़ कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। तो भगवत गीता की जो शिक्षा है, अभी तो बहुत है, एक दो चार मिनट और मैं आपका वक्त लूंगा बताने के लिए। गीता ज्ञान में चैतन्य की शिक्षा है। अज्ञान, रज, तम प्रवृत्ति, दुख तथा अन्याय विरुद्ध लड़ने की वीर वृत्ति है। भगवत गीता मानव में देवत्व जागृत करती है। आज राष्ट्र एवं धर्म की स्थिति दयनीय है और भारतीय हतबल हो गए। भगवत गीता की शिक्षा ही भारतवर्ष को एवं विश्व को उतार पाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, पानी में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन, लेकिन अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। अर्जुन को गीता का उपदेश मानव जाति को मोक्ष का मार्ग बताने के निमित्त था। गीता में रणनीति, अस्त्रों शस्त्रों का कुशल संचालन आदि विषयों की चर्चा ही नहीं है, किंतु मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न योग मार्ग बताए गए हैं। जैसे सांख्य योग है तो संन्यास का मार्ग है, ध्यान योग है तो इसमें अकेले तथा गुप्त स्थान में रहकर ध्यान लगाने के लिए बताया गया है। कर्म योग है तो इसमें स्वार्थ और फल प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर कर्म करने के लिए बताया गया है। भक्ति योग है
इसमें ईश्वर प्राप्ति को मानव का ध्येय बताया गया है। विभूति योग है, इसमें ईश्वर के सर्वव्यापी रूप के अनुभूति लेने के लिए कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी मैंने योग बताए वो योग मार्गों में हिंसा को स्थान कहाँ है? कहीं नहीं। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। काम, क्रोध और लोभ ये चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले तीन द्वार कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रिया वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए पाप को प्राप्त नहीं होता। अपने आप को कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला ईर्ष्या से रहित सफलता और असफलता में समभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ कर्म के बंधनों में नहीं बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। भगवान कहते हैं कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करने का कोई फायदा ही नहीं है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसके प्रकृति के अनुसार होता है। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले उसे अपूर्णता के साथ करना पड़े। भगवान कहते हैं कि सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना कहीं और है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो, और कहते हैं कि मुझे कर्म नहीं बांधता क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। तो कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी है, जो दुख को जन्म देता है। कृष्ण कहते हैं कि जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। वे कहते हैं भगवान कि जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की पूजा करें। कहते हैं कि मैं उष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं, मैं वर्षा रोकता भी हूं, और अमृत भी हूं और मृत्यु भी मैं हूं। ये मैंने एक तरह से आपको पूरा गीता है ना, गीता एक नट शेल में बता दिया है। और इवन भगवान जो प्रोमिसेस कहते हैं वो हमेशा पूरा किए हैं। जैसे बिशप की बात मैंने ऊपर कही, तो जब वो प्राण त्याग रहे थे तो चूंकि प्रॉमिस किए थे भगवान श्री कृष्ण तो वहां पे मौजूद थे। प्रथम स्कंद में भीष्म का चरित्र भागवत के ग्रंथकार सुना रहे हैं। भीष्म का गमन हुआ, भीष्म को भगवान ने विदा किया, भगवान श्री कृष्ण महाभारत को समाप्त करके जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरा समय हुआ, मुझे द्वारका जाना है। भगवान द्वारका जाने लगे और पांडवों से कहा कि देखो अब तुम लोग अपना जीवन आरंभ करना। युधिष्ठिर का राज तिलक करके श्री कृष्ण द्वारका गए, वहां की जनता ने उनके रथ यात्रा का दर्शन किया। यह वर्ण प्रथम स्कंद के 10वें तथा 11वें अध्याय में आता है। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालों को जन्म दिया और वह बालक जन्म लेते ही उस चतुर्भुज रूप को खोजने लगा जिसे उसने अपनी माता के गर्भ में देखा था। परीक्षित भाग्यशाली था कि उसको माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए, यही कारण है कि उत्तम श्रोता है। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि बालक कैसा होगा,
तो ब्राह्मणों ने कहा कि वैसे तो सभी ग्रह दिव्य हैं, किंतु मृत्यु स्थान में कुछ त्रुटि है, इसकी मृत्यु सर्प दंश से होगी। यह सुनकर धर्मराज को दुख हुआ कि मेरे वंश का पुत्र सर्प दंश से मरेगा। पर ब्राह्मण ने युधिष्ठिर को आश्वस्त किया कि जो कुछ भी होगा उसी से इस बालक को सदगति मिलेगी। हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू।